खवातीन हजरात आदाब, मैं अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से आप सबका खैर मकदम करती हूँ। आज से हम एक हफ्तावार सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। सीरीज़ का नाम होगा अंजुमन टॉकीज़। हर इतवार को 9 बजे शाम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे हम मिलेंगे और उर्दू की दुनिया की किसी अहम आवाज़ से रूबरू होके बातचीत करेंगे। हमारी खुशकिस्मती है कि आज की शाम एक ऐसा नाम जो हम कह सकते हैं कि निहायत मुस्तनद, मोतबर, मकबूल व मारूफ नाम है, इफ्तिखार आरिफ साहब, वो उन्होंने वक्त निकाला है और वो हमारे साथ शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आपने आज की शाम ये वक्त निकाला हमारे लिए। नहीं, मेरे लिए इज्जत की बात है कि मैं हिंदुस्तान में अपने दोस्तों को देख रहा हूँ और उनसे बातें कर रहा हूँ। जावेद अख्तर साहब से बात हो रही थी और उन्होंने उनसे जिक्र किया था मैंने सीरीज का, तो उनका ये कहना था कि वी हैव सेट द बार वेरी हाई बिगिनिंग द सीरीज विद यू, तो आपके बाद आने वाले लोगों को बड़ी दुश्वारी होगी क्योंकि हमने बार को बहुत हाई सेट कर दिया है शुरुआत आपसे करके। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं इस गुफ्तगू का आगाज आप ही के एक शेर से करना चाहूंगी जिससे बातचीत का सिलसिला शुरू हो। आपका एक शेर है, इजाजत है तो पढ़ूं। रास आने लगी दुनिया तो कहा दिल ने कि जा, रास आने लगी दुनिया तो कहा दिल ने कि जा, अब तुझे दर्द की दौलत नहीं मिलने वाली। तो ये तो हमने सुना है कर्से से कि दर्द की दौलत जरूरी है। बहुत मुतमईन शख्स शायरी नहीं कर सकता। गालिब को अगर वो नौकरी मिल गई होती जिसके वो ख्वाहिशमंद थे दिल्ली कॉलेज में उस्ताद होने की, तो पता नहीं उर्दू का रंग क्या होता शायरी का। और ये कि शायरी लिखने के लिए एक, मतलब वैसे तो ये खुदा की तरफ से एक नेमत है लेकिन सबको वो नेमत हासिल नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके ख्याल से आसपास की फिजा में गिजा के लिए वो क्या चीजें हैं जो शायर को जिनकी जरूरत होती है बार बार शेर कहने के लिए? असल में शायरी के सिलसिले में कोई फॉर्मूला नहीं है। ज़िंदगी का जैसे कोई फार्मूला नहीं है, ख्वाब कैसे देखेगा आदमी उसका कोई फार्मूला नहीं है, मोहब्बत कैसे करेगा इसका कोई फार्मूला नहीं है, यादें कैसे आएंगी किसकी यादें आएंगी इसका कोई फार्मूला नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से शेर कहने का कोई फार्मूला नहीं है। और मैं तो बिल्कुल इस बात का, अब ज़ाती तौर पर मैं अगर अपने बारे में कहूँ तो मैं शेर कहने पर, शायद कलाम मौजू करने पर बहुत शुरू की उम्र से मैं कह सकता था शेर, और मैंने शेर कहे। और जो मैं स्कूल कॉलेज के ज़माने में, जो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसकी मैगजीन में मेरी गज़ल छपी हुई है वो मिल जाती है। तो अब मेरा नाम इफ्तिखार हुसैन है, उसके साथ ये जो आरिफ का किस्सा लगा हुआ है, ये उस ज़माने में लखनऊ में हर आदमी शेर कहता था और हर आदमी शेर समझता था। हर गली में 150 शायर होते थे और सब सुखन फहम होते थे और ज़ौक की किसी न किसी सतह से उनका ताल्लुक़ होता था। तो उस ज़माने में लखनऊ की हवा में शायरी थी और लखनऊ की यानी मौसीकी और शेर और खुश लिबासी और नफासत, ये सब यानी आला तबकों से लेकर, और समझिए जिसे आप उर्फ़े आम में मेहनतकश तबका कहते हैं या और कहें कि निचला तबका कहते हैं, उसमें ये मौजूद थी। तो मेरे लिए तो शायरी बहुत देर से मैंने शुरू की, कलाम मौजू कह लेता था कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी में भी और शुरू में, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया तो यहाँ कुछ मेरे हालात और कुछ शायद ज़िंदगी में एक आध वाक़या, तो उसने मुझे शेर कहने की तरफ मायल किया। और ये जो जिस
जो मिसरा आपने उठाया है उसके सिलसिले में मैं ये जरूर कहता हूँ कि जो आसूदगी है, यानी जो सामने के लफ्जों में जो आसूदगी है कि जिंदगी की तमाम सहूलतें मैसर हैं और आसाइशें मुहैया हैं, और फिर आप शेर कहें और ये, तो मैंने ये देखा नहीं कि बहुत आसूदा हाल लोग और बहुत आसूदा हाल होने के बाद लोग, मैंने एक आध नज़्म भी इस तरह की लिखी हुई है कि जब बहुत आसूदगी मैसर आ जाती है तो आपकी तख्लीकी सरगर्मी उतनी शायद तेज नहीं रह पाती, या वो आपकी तरजीहात अव्वल में जब तक शायरी नहीं होगी, और दुनिया अगर आपकी तरजीह अव्वल है तो दुनिया आपको शायद मिल जाएगी लेकिन फिर शायरी नहीं मिलेगी। शायरी या मौसीकी या मुसव्वरी, कोई भी फन जब तक आपके उसूब हयात में शामिल ना हो जाए, जब तक वो आपकी ज़िंदगी ना हो जाए, पास टाइम नहीं है, ये कोई मशगला नहीं है, ये कोई तफरी नहीं है कि जब सुबह से शाम तक माश की फिक्र में रहता है आदमी, मगर उसके बाद अगर फिक्र, अगर आपकी तरजीह अव्वल नहीं है तो आप शेर नहीं कर सकते, और अगर दुनिया तरजीह अव्वल है तो शेर नहीं कर सकते। और यानी एक मिसालें दी जा सकती हैं, इस्तिस्ना होते हैं, मगर मजमूनी तौर पर ऐसे ही है कि बहुत मुतमईन आदमी, बहुत आसूदा हाल आदमी, उसको शेर कहने में ज़हमत होती है। जी, तो 18वीं सदी के एक फिलोसोफर थे, जर्मन फिलोसोफर इमानुअल कांत, जिन्होंने जमालियात, एस्थेटिक्स की एक तरह से वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी उसकी फाउंडेशन उन्होंने की है। एक उनका जो टेक्स्ट हैं वो फाउंडेशनल टेक्स्ट माने जाते हैं। उन्होंने शायरी को, अदब को नहीं बल्कि शायरी को खसूसी तौर पर बहुत आला दर्जा दिया है। कहा है, और आर्ट फॉर्म्स के बनिस्बत शायरी खास तौर से इट इज द फ्रीएस्ट एंड द फाइनेस्ट ऑफ ऑल। सब ये जो लोग बीच में हैं, बड़ी गुजार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये म्यूट कर लें तो हमें जरा आसानी होगी। साजिद साहब, आप ही अगर ये काम कर दें तो बहुत अच्छा हो। तो साहब, जैसा मैं कह रही थी कि ये कांटियन फिलॉसफी का ये मानना है कि जबकि शायरी फ्रीएस्ट और फाइनेस्ट है सब आर्ट फॉर्म्स में, यानी मौसीकार को बाजे की जरूरत है, पेंटर को कैनवस और पेंट की जरूरत है, शायर को सिर्फ अल्फाज चाहिए। और एक वक्त था जब शायरी सिर्फ पढ़ी और सुनी जाती थी और छपने का सिलसिला तो बहुत बाद से शुरू हुआ। तो आगे चल के कांत ये भी कहते हैं कि कोई भी फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, यानी शायर भी समाज का हिस्सा है, समाज में रहते हुए वो एक पोएटिक लाइसेंस जिसे हम आज समझते हैं, और बहुत उछाला जाता है ये लव्स, राइट टू फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये बहुत करेंसी में लव्स हैं, लेकिन शायर के लिए क्या बहुत मोहतात होके कहना जरूरी है? क्या कोई सेल्फ सेंसरशिप होती है, कोई रिस्ट्रेंट होता है, या पोएटिक लाइसेंस का मतलब एक एब्सोल्यूट फ्रीडम है? देखिए, आज़ादी को इस तरह से मशरूत तो नहीं किया जा सकता, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये बात कुली तौर पर सही हो। हम कोई पाबंदी के, कोई कवानीन, कोई जवाबत अपने अतराफ नहीं देखते जब हम शेर कहने बैठते हैं या कोई भी शेर कहने बैठता है। और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूर है कि आदमी अपने अपनी आबो हवा में रह के शेर कहता है और अपनी समाजी ज़िंदगी में रह के शेर कहता है, और शायद अंदर उसके कोई फैसला भी होता रहता होगा कि किस वक्त क्या बात कहने की है, क्या बात कहने की नहीं है। मगर शायर बिल्कुल इस ख्याल से कि माशरे में कौन सा आदमी कैसे रद्द अमल का इजहार करेगा, किस रद्द अमल का इजहार करेगा, इसका पाबंद नहीं होता, और किसी ज़माने में नहीं हुआ। और कोई ये जो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो बहुत ही माज़रत चाहता हूँ आपसे कि
हमारे यहाँ बहुत से नज़रिए फैला दिए जाते हैं और उसके तहत शेर को देखा जाता है, और हम तो सीधे सीधे शेर कहते हैं और आज़ादी से शेर कहते हैं, जो हमारे जी में आता है वो कहते हैं। बाद दफ़ा मजहबी हलकों को वो बात नागवार गुजरती है, बाद दफ़ा सियासी हलकों को वो बात नागवार गुजरती है, बाद दफ़ा हमारे जहान दानिश में वो बात नामोतबर और गैर मुस्तरद समझी जाती है। हमने कभी ये ख्याल नहीं किया कि इसका क्या नतीजा होगा, और कोई हमने यानी मैंने अपने बारे में ही नहीं कह रहा हूँ, मैं दूसरे दोस्तों को भी देखता हूँ शेर कहते हुए, और जाहिर है कि सब आदमी अपनी अपनी तरह से शेर कहते हैं। और कोई मसलन मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यहाँ की सियासी सूरत हाल जो है वो बहुत ही मखदूश रही है, और वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर फौजी आमरीत रही, तो अब कोई ज़माना ऐसा नहीं रहा जब मैंने शेर नहीं लिखे हों और उनके बारे में शेर न कहे हों। और सिर्फ मैंने नहीं, और भी मेरे बुजुर्गों में जैसे फैज साहब थे या फहमी दत्त थी मेरे साथ थी, वो यानी मेरी आमस शायरा थी, उन्होंने यानी जो जिनको मैं प्योर पोइट्स भी जिन्हें आप कहते हैं, बिल्कुल ये एक इल्यूजन है कि कोई आदमी किसी आबो हवा में रह रहा हो उससे मुतासिर हुए बगैर शेर कह नहीं सकता, अगर वो कहना चाहे भी तो। जैसे सर्दी का मौसम होता है फौरन लिबास तब्दील हो जाता है, तो जब जुग्राफियाई आबो हवा जो है वो हम पर असरअंदाज होती है, तो ये कैसे मुमकिन है कि तहजीबी सियासी आबो हवा हम पर असरअंदाज ना होती हो। थोड़ी सी बात लिटरेरी कैनन की करते हैं, फिर आएंगे और स्पेसिफिक चीज़ों की तरफ। लिटरेरी कैनन वक्त के साथ बदलता है, लेकिन क्या अदब को जांचने के समझने के पैमाने भी वक्त के साथ बदलते हैं? ये बात मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ, और आपके जरिए इस सीरीज में और लोग भी जो आएंगे जो क्रिएटिव राइटर्स हैं उनसे मैं ये बात समझना चाहती हूँ कि जो क्राफ्ट की कमजोरियाँ हैं क्या वो इजाज़त देती हैं कि ये मतलब इट्स अ डुअल रिलेशनशिप के कैनन में नए नए लोग शामिल होते जा रहे हैं वक्त के साथ, तो जो जो बदलता वक्त है क्या वो पैमानों की वजह से तरह दे जाता है क्राफ्ट की कमजोरियों? देखिए मैं तो सीधी एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जिसको आप क्राफ्ट कहती हैं, मुझे नहीं मालूम आप किस चीज़ को क्राफ्ट कहती हैं, शेर कहने के बाद उस पर बैठना या लफ्ज़ों की नशस्तों पर तराशना या उस पर चढ़ाना, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो पहली बात है, शायर का क्राफ्ट अगर अच्छा नहीं है तो वो शेर अच्छा नहीं कह सकता, ये बिल्कुल बात वाज़े है। इसका एक एक बयान सबूत ये है कि जैसे फर्ज कीजिए मैं एक आप क्योंकि आपका वो स्कूल रहा है और आपने उस पर लिखा है इसलिए मैं आप ही की तरफ से हमला आवर होता हूँ, तरक्की पसंद तहरीर के ज़माने में जो लोग थे उन्होंने सीधा सीधा जो स्कूल था कि भाई सोशल रियलिज्म या सोशलिस्ट रियलिज्म वो कहते थे, और पार्टीनास्ट जिसे कहते थे कि भाई जो शायर है वो मेमार है और वगैरह वगैरह कहते थे, तो उसी ज़माने को देखिए कि एक सतह पर हाशमी मुत्तलबी फरीदाबादी और नियाज हैदर भी थे, और एक सतह पर फैज़ और सिप्त और सरदार भाई और मखदूम भी थे और मजाज भी थे, तो यानी ये सब। मगर पहली बात तो ये कि शायर को अपने लफ्ज़ों की समझ और क्राफ्ट की समझ होनी चाहिए, जिसको आप कह रही हैं कि भाई मिसरा कैसे लिखा जाए, मिसरे का आगाज़ कैसे हो, कौन सी चीज़ नगमा कैसे रखते हैं, कैसे शेर को क्राफ्ट के बहुत से मानी हैं, उस जिस मानी में भी आप लेती हों इन सनत को और बनाने को शेर को संवारने के लिए जो जो चीज़ें की जाती हैं, शायरी लफ्ज से इबारत है। अगर लफ्ज़ों पर आपकी दस्तरस नहीं होगी, गिरफ्त नहीं होगी, या अगर आपको ये नहीं मालूम होगा कि कौन सा लफ्ज़ कौन से लफ्ज़ के साथ जाता है, कौन कौन से लफ्ज़ के साथ नहीं जाता, या कौन सा लफ्ज़ जो है, अब वो जो जिन्होंने उसूल बनाए थे कि भाई ये तनाक़ुस है, ये जो है ये
तकरार जिस ये जो हरफी है ये तजनी से हरफ हरफी है, ये सौती इकरा है वगैरह वगैरह, ये सब बातें बनाई हुई हैं और शरियात मशरक में बहुत वजाहत से इसको लिखा गया। मगर ये हम सोच कर नहीं करते, अगर किसी ने लिखा हुआ है कि ये मैंने ही मसलन के तब माही बेआब मौज तड़पा थी, मिसाल माही बेआब मौज तड़पा की हबाब फूट के रोए जो तुम नहा के चले, तो मीर अनीस ने हबाब के फूट के रोने को और माही बेआब को और मौज के तड़पने को ये सब जमा करके नहीं लिखा होगा, उन्होंने शेर लिखा होगा जिसमें ये तनासुब और ये तलाजमे पाए जाते होंगे। तो शायर तो बिल्कुल वही होता है जिसकी अपने टूल्स पर अगर गिरफ्त नहीं है तो अच्छा शायर नहीं है। कोई भी अच्छा मैकेनिक अगर जैसे अजरपाव ने कहा कि भाई मशीन ड्राइवर को जो 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 गाड़ी चलाने वाला है उसको ये पता होना चाहिए कि उसके उसके औजार जो हैं वो कैसे हैं क्या है, तो जो शायर होता है उसके लिए लफ्ज़ उसके उसका रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल का उसको अंदाज़ा नहीं है तो फिर कैसे करेगा काम, वो तो बुनियादी बात है। अब आ जाइए जो जो, जो ये जो नज़रियाती शायरी होती है, तो नज़रियाती शायरी के बारे में कुछ तो बातें वो हैं जो बरसों से कही जा रही हैं, 100 बरस से तो कम से कम कही जा रही हैं, मगर एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि कोई भी शायरी कोई भी अफसाना कोई भी नावल अपने ज़माने से इन्हराफ नहीं कर सकता, उसके अतराफ़ जो कुछ हो रहा है उससे वो सरफ़ नज़र नहीं कर सकता। अब उसको वो कौन से अंदाज में लिखता है, बहुत से लोग उसको मसलन आसानी के लिए मैं कहता हूँ कि मसलन बहुत से लोग उसको फैसा की तरह लिखते हैं, बहुत से लोग उसे मखदूम की तरह लिखते हैं, बहुत से लोग उसको मजाज की तरह लिखते हैं, बहुत से लोग उसको फेमीडा की तरह लिखते हैं, तो लोग लो, अपनी अपनी तरह से लोग लिखते हैं, मगर कोई आदमी उससे कहे कि मैं इस ज़माने में ज़िंदा हूँ, मैं 21वीं सदी में ज़िंदा हूँ और मेरे बहुत से मसाइल हैं और मुसलसल उससे गुजर रहा हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं उन मसाइल के हवाले से शेर नहीं लिखूँगा। मेरा सवाल असल में जो पैमाने के लिहाज से था, शायद मैं अपनी बात को ठीक से कह नहीं सकी, लेकिन मैं आज के दौर की बात कर रही थी बरसगीर की भी, और हमारे हिंदुस्तान में ख़ास तौर से हमें एक नई नस्ल नज़र आ रही है लोगों की जो क्लासिकी रिगर से नहीं गुजरे हैं, जिन्हें उर्दू का शौक और ज़ौक है, वो शायरी लिखने की भी बहुत जल्दी में है, वो लिख रहे हैं लेकिन वो ऐसी चीज़ें लिख रहे हैं जो आपको सुन के अच्छी लगती हैं, आपके आपके कान को भाती हैं, दिल को छूती हैं, लेकिन कहीं इसलिए मैं क्राफ्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रही थी कि वो क्राफ्ट वहाँ कम है, तो इस लिहाज से मैं पैमाने की बात कर रही हूँ। देखिए रशदा, मैं पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी एक उजलत पसंद मुसन्निफीन की एक बड़ी तादाद है। अच्छा, वो फौरी तौर पर शोहरत पाना चाहते हैं और रातों रात मशहूर हो जाना चाहते हैं, और रियाज जो इसको मौसीकी की ज़बान में कहा जाता है उसके बगैर, मैं आपके बाद बहुत मशहूर शुरा को देखता हूँ कि जो बुनियादी जो जिम्मेदारियाँ हैं क्राफ्ट की, जो बुनियादी जिम्मेदारी, यानी मैं उसके बहुत ही हसास और नाजुक मसाइल की तरफ नहीं जाता, यानी कम अज़ कम मिसरा है अगर लिखा हुआ तो कम अज़ कम मिसरा वज़न में तो हो, वज़न में हो। जी जी, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जो शायरी है उसमें माबाद तबियाती एक पस मंज़र होना चाहिए और उसमें एक जदलियाती सियाक व सबाक उसका होना चाहिए और उसमें नफ्सियाती पेचोखम होने चाहिए, तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि ये सब होना चाहिए मगर पहले शायरी को वज़न में भी होना चाहिए। वज़न से मेरी उड़ा दी है कि जो जो जिस आप फर्ज कीजिए आपने गज़ल का जानर इस्तेमाल किया है तो उसके जब आप गज़ल लिख रहे हैं तो फिर गज़ल में एक चीज़ होती है रदीफ़, एक चीज़ होती है काफिया, एक चीज़ होती है बैर, एक चीज़ होती है वज़न। अगर बेवज़न गज़ल लिख रहे हैं तो वो चीज़ कितना ही बड़ा मज़मून हो और कैसी ही बड़ी, मैं देखता हूँ आपके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी यानी पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे शुरा हैं कि जो ख्याल उन्होंने एक ख्याल उनकी ज़िंदगी में कोई आया उन्हें वो उन्होंने लिख दिया, अच्छा वो ताज़ा ख्याल ही अच्छी लगती है, यानी वो मशहूर भी हो जाती है और उसमें
लोग दिलचस्पी भी लेते हैं, मगर लंबी सांस का खेल नहीं है। अदब 100 yards की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। ये आपको बहुत दूर लंबी सांस चाहिए, इसका स्टेमिना चाहिए पूरे पूरे। यानी मैं देखता हूँ कि अब आजकल सोशल मीडिया पे बाज ख्वातीन जो हैं वो आवाज़ें बना बना के और लहजे बना बना के, और मर्द उन्होंने एक रेनरिंग्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है, और बिल्कुल एक जैसे सस्ती किस्म की सती किस्म की वो एक सदाकारी होती है, और उसमें वो बेवजन मिसरों को वजन में पढ़ने की कोशिश भी की जाती है, और जो सतही जज्बातियत होती है उस तरह की शायरी की जाती है। वो अच्छा वो शायरी है नहीं, वर्सिफिकेशन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कि पोएट्री एंड वर्स, तो ये वर्स है ये, और ये भी ख़राब किस्म का वर्स है, और ये इसको ज़्यादा देर चलना नहीं होता, ये डाई डाउन कर जाएगी, अपनी मौत उसको मर जाना होगा। इसलिए कि ये किसी अगर जो उसूल हयात के बनाए गए, फर्ज कीजिए मसनवी आप लिख रहे हैं तो मसनवी जैसे लिखी जाती है उसके पहले से मुकर्रर हैं पैरामीटर्स को पढ़ रहे हैं। अगर आप मुसद्दस लिख रहे हैं उसके पैरामीटर्स हैं, गज़ल है उसकी सूरत है। अगर ब्लैंक वर्स आप लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैंक वर्स में क्या आज़ादियाँ हैं और क्या चीज़ नहीं लिखनी चाहिए। इतना बड़ा बड़ा काम हो चुका हुआ है, इतना बड़ा, मैं बहुत फख्र से ये बात कह रहा हूँ, और ये मैं एक तालिबे इल्म के तौर पर कह रहा हूँ कि हमारे पिछले 100 बरस में उर्दू में जैसी अच्छी शायरी हुई, और जो उस अपनी वेरिएशन में कि यहाँ फैज से अख्तरुल ईमान तक, यानी उस तरफ को भी, यानी वो लोग जो जिनको आप मॉडर्निस्ट कह के तकसीम करते हैं उनको भी, और जो जिन्हें आप प्रोग्रेसिव कह के तकसीम करते हैं उनमें भी, वही शायर अच्छे हैं और वही शायर कायम रहे हैं जिन्होंने जो मेयारात की पाबंदी थी, जो हैतों की पाबंदी थी, उसको उसका एहतराम किया है और उसमें शेर लिखे। गालिब ने कहा था कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इस शेर के लिए उन्होंने कहा था कि वो अपना पूरा दीवान मोमिन के शेर के लिए अपना दीवान पूरा निछावर करने को तैयार हैं। आप अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो अपने हम उम्र हम असर शायरों में या इस दौर के शायरों में कोई एक शेर ऐसा लगता है आपको कि काश मैंने ये लिखा होता? बहुत से शेर ऐसे लगते हैं, मसलन मेरा जी चाहता है कि कौन सितारे छू सकता है, राह में सांस उखड़ जाती है, ये मैंने लिखा होता। मसलन मैं ये कहता हूँ, मसलन मुझे ये ख्याल आता है कि मैंने लिखा होता कि कुछ और भी तो है मजबूरियाँ जमाने में, अरे वो दर्द मोहब्बत से ही तो क्या मर जाए, हमारा जी चाहता है ये हमने लिखा होता। ये कि किस हाल में हो नसीम बोलो, आखिर नजरे तुमिलाओ दिल कहाँ है, वगैरह वगैरह बेशुमार शेर ऐसे। देखिए मैं तो मेरी एक यहाँ पाकिस्तान में ये मेरे बारे में ये खुशफहमी मुझसे कायम है कि मैं नौजवानों के बहुत शेर मुझे याद होते हैं और मैं उनके शेर सुनाता रहता हूँ। अच्छा मेरा तो मैं कहता हूँ कि अच्छा शेर सुनकर जो आदमी दाद नहीं देता उसकी रूह जो है वो इस बुख्ल से मुतासिर होती है, ये बुख्ल उस पर असरअंदाज होता है। बखील होते हैं वो शायर जो दूसरे शुरा को दाद न दे। अच्छा मैं क्योंकि बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे बहुत ही यानी इब्तिदा से मुझे यानी बुजुर्गों की बहुत सरपरस्ती कह लीजिए उनकी तवज्जो हासिल रही, उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, इज्जत बख्शी। तो बहुत लोग होते हैं और यानी ये कोई तकल्लुफा नहीं कह रहा हूँ, नौजवानों के पास कहने को बहुत कुछ है। हमारे ज़माने में हमारे पास कहने को बहुत कुछ था, हमें कैसे लखनऊ में पैदा हुए थे जो जबान के यानी मर्सिया ने जबान के इम्कानात बहुत रोशन कर दिए थे। मिसा बनाने की जो सूरतें थीं वो मर्सिया की बैत ने और मर्सिया खानी ने बिल्कुल उसको
जबान कैसे इस्तेमाल की जाती है। मीरानीज का एक मसला है कि तलवार काटती है मगर हाथ चाहिए, तो लफ्ज आने चाहिए, उनका इस्तेमाल आना चाहिए और उनको बरतने का सलीका आना चाहिए। और ये जो है ये हमने अपने बुजुर्गों से सीखा और हमने जाहिर है कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे हमें मयसर के जो ये कहते थे। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे बाद वाली जो नस्ल है उसमें बहुत ताज़ा नफस शायर हैं और ताज़ा ख्याली भी है, मगर एक बेतवज्जुही ज़बान की तरफ है और क्राफ्ट की तरफ है और सब्र नहीं है और तहम्मुल नहीं है और काता ले दौड़ी जैसे हम कहते हैं कि जैसे शेर कह के इंतज़ार करना। देखिए पूरी ज़िंदगी शेर लिखे अख्तर ईमान साहब ने आप उनकी किताब देखिए और फैज साहब की किताब देखिए और राशिद का मजमुआ देखिए, तो बहुत इन्होंने नहीं लिखा है लेकिन अच्छा लिखा है और इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे ज़माने में दोनों तरफ से जो अगर आप बिल्कुल दोनों जो हटा दें उनको, जैसे हमारे जैसे नकाद थे आपसे माजरत के साथ, जैसे तरक्की पसंद तहरीक के नकाद थे उन्होंने अख्तर हुसैन और एहतशाम हमारे उस्ताद एहतशाम हुसैन साहब और मुश्तबा हुसैन साहब मुमताज़ हुसैन मोहम्मद रिजवी, ये जो किस्सा था इन्होंने अपना एक तरक्की पसंद तहरीक के लोगों को बहुत उनकी हौसला अफजाई की। दूसरी तरफ जो मॉडर्नस थे उनकी हौसला अफजाई भी हुई, उनके अपने नकाद थे। बदकिस्मती से पिछले 50 बरसों में ये मैं बहुत ही एक इख्तलाफी सी बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान में तो अच्छे नकाद हुए जैसे सुरूर साहब और सुरूर साहब के बाद उनके साथ ही रशीद अहमद सिद्दीकी ने जो भी तनकीद के मजामीन लिखे, मगर सुरूर साहब तो पक्के गया नकाद और हमारे लिए काबिल मंजिलत। उनके बाद जो लोग आए उन्होंने एक बाकायदा तरक्की पसंद तहरीक से सरफ़ नज़र किया और यानी शमसुर्रहमान फारूकी और गोपी चंद नारंग और निसार फारूकी और फर्ज कीजिए वारिस अलवी और ये सारा फुज़ैल जाफरी और शमीम हनफी, ये सारा जो नकादों का जो हुजूम था और जो जो जमात थी ये जदीद शायरी वाले लोगों को इन्होंने इन पर लिखा मगर तरक्की पसंद तहरीक पे नहीं लिखा। अब हालत ये है पाकिस्तान में लेदे के दो नौजवान नकादों में दो एक नाम आते हैं मगर तनकीद जो है वो बिल्कुल रुखसत हो गई। थोड़ी सी बात इदारों के हवाले से कर लेते हैं, ख़ास तौर से चूंकि आज की जो ये गुफ्तगू और ये सीरीज़ है ये अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के ज़ेरे एहतमाम हो रही है और सुनने वाले लोग जानते होंगे कि अंजुमन तरक्की उर्दू तकसीम के बाद एक हिस्सा हिंदुस्तान में रह गया, एक हिस्सा पाकिस्तान चला गया। आपका ख़ुद का ताल्लुक़ इदारों से रहा है, आप एक लंबे अरसे तक लंदन में उर्दू मरकज़ में थे, फिर लैंग्वेज अथॉरिटी के साथ आपने काम किया, फिर पाकिस्तान अकेडमी ऑफ लेटर्स के साथ आपने काम किया। मैं समझना ये चाह रही हूँ और मेरे ख्याल से अंजुमन के लोगों को और अथर फारूकी साहब को भी इस बात में दिलचस्पी होगी कि ज़बान की हिफाजत में करने में, ज़बान को सेहतमंद रखने में, तंदुरुस्त बनाने में इदारे क्या रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि वो एक जो एक घेटोइजेशन ख़ासतौर से कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं ज़बान के लिहाज से, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए इसमें बहुत सी बातें हैं जो सियासी हैं जी। और हमारे यहाँ मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ मगर मुझे कहना चाहिए कि जो टोकनिज्म है, एक वजह का टोकनिज्म जो है वो भी है, मुझे नहीं मालूम मैं आपके यहाँ जो मुख्तलिफ अकेडमीज़ हैं उनके बारे में आप बेहतर जानती हैं और उनका काम
आपकी नज़र भी गुजरा होगा, हमारे यहाँ जो इदारे हैं और जो आपके इल्म में है कि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था तो सोवियत यूनियन के बहुत लोग मुतासिर हुए, लोग जो थे वो हमारे अदब में बहुत थे, चुनांचे उन्होंने वो चीज़ें जो पहले वहाँ मौजूद थीं उसको यहाँ मुतारिफ़ कराने की कोशिश की। चुनांचे ये जो सोवियत राइटर्स यूनियन के तर्ज पर आपके यहाँ हिंदुस्तानी साहित्य अकेडमी का क़याम अमल में आया, हमारे यहाँ अकादमी अदबियात पाकिस्तान का क़याम अमल में आया, अंजुमन तरक्की तरक्की उर्दू आपके यहाँ बाबा उर्दू यहाँ आए तो वो क़स्सा शुरू हुआ, फिर हमारे यहाँ मुक़द्दरा कौमी ज़बान का इदारा शुरू हुआ। तो ये जो इदारे हैं ये महमेज़ करने में सहूलत फराहम कर सकते हैं मगर ये कोई पॉलिसी नहीं बनाते। हमारे आपके मुल्कों में जब तक पार्लियामेंट और जो 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 कानून बनाने वाले लोग जो हैं उन वो नाफिज आप नहीं कर सकते, ज़बान को ऊपर से मुसल्लत नहीं किया जा सकता जब तक कि आपके अंदर उसकी ललक नहीं होगी, उसकी उसको पढ़ने का कि अब आपके यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है, मेरे यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। क़याम पाकिस्तान के बाद से इस वक्त कोई 100 के करीब चैनल्स टीवी के हैं, वो सारे के सारे उर्दू में अपने प्रोग्राम करते हैं दिन भर के रात भर के, और जो अंग्रेज़ी के चैनल शुरू हुए थे वो बंद हो गए, एक चैनल सिर्फ अंग्रेज़ी का रह गया है। बिल्कुल इसी तरीके से कोई 90-92% जो अखबार और रसायल हैं वो उर्दू में छपते हैं, सारी सियासत जो है वो उर्दू में होती है, सारी जो जुमे के खुतबे होते हैं वो उर्दू में होते हैं हर मस्तक के, और जितने फसादात इज्तिमाआत होते हैं उसमें वो सब उर्दू में हो रहे होते हैं। तो ये किसी भी पाकिस्तान के किसी भी शहर में किसी भी इलाके में चले जाइए वहाँ उर्दू का बोल कर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मगर पाकिस्तान जिन इलाकों में बना है उसकी पहले से ज़बानें मौजूद थीं, और मसलन पंजाबी या सिंधी या बलोची या पश्तो ये ज़बानें यहाँ पहले से मौजूद थीं, और ये उनका हक है, इस्तेहकाक है उनका कि उनको फ़रोग दिया जाए और उनको मुस्तहकम किया जाए और उनको बाकी रखा जाए। हर ज़बान बोलने वाले का ये हक है कि उसकी ज़बान का एहतराम किया जाए, चुनांचे ये सीखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उर्दू को अंग्रेज़ी से लड़ाया जाता है और दूसरी ज़बानों से, ये भी मुनासिब बात नहीं है, अंग्रेज़ी राइज रहनी चाहिए। जदीद उलूम जो हैं वो सारे के सारे अंग्रेज़ी में के ज़रिए हमारे पास आ रहे हैं, चुनांचे जब तक अंग्रेज़ी ज़बान में दस्तरस नहीं होगी उस वक्त तक आप जदीद उलूम हासिल नहीं कर सकते, चुनांचे अंग्रेज़ी भी राइज रहनी चाहिए और जो दूसरी मकामी ज़बानें हैं उनको भी तहफ़ मिलना चाहिए, और उन्हीं के साथ साथ जो उर्दू है उसको भी ख़ुद ब खुद अपना रास्ता निकालेगी। आपके यहाँ हिंदुस्तान में शुरू में ये मसला हल हो गया था जब पंडित जी के ज़माने में, जिसको आप सेलसानी फार्मूला कहते हैं कि जो हिंदुस्तान में जो लोग हिंदी बेल्ट में रहते हैं वो सब हिंदी पढ़ेंगे और एक अंग्रेज़ी पढ़ेंगे और एक ज़बान वो पढ़ेंगे जो उनके सूबे की होगी, अगर मलयालम है तो मलयालम पढ़ेगा के उधर है तो तमिल पढ़ेगा, कन्नड़ पढ़ेगा, बंगाली पढ़ेगा, तो ये तय हो गया था। चुनांचे आपके यहाँ निज़ाम बेहतर रहा हमारे मुकाबले में, हमारे यहाँ उस तरह से जो पाकिस्तान में बोली जाने वाली ज़बानें थीं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, जिससे एक सूरत बदमजगी पैदा होती है, मगर जो तमाम लोग हैं इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि तमाम सूबों की ज़बानें एक साथ पढ़ाई जा सकती हैं, उसमें तालीम दी जा सकती है और उसका फ़रोग, और मैं समझता हूँ कि उर्दू पाकिस्तानी उर्दू जिसे हम कहते हैं वो उसका मिजाज बदल रहा है, इसलिए कि जैसे जब हिंदुस्तान में उर्दू बोली जाती थी तो अवध ही के बहुत से लफ्ज़ उर्दू में आ जाते थे, ब्रज भाषा के बहुत से लफ्ज़ उर्दू में आते थे और
समझिए खड़ी बोली के बहुत से लफ्ज़ उर्दू में आते थे और हमारे ज़माने में हम उनको जानते थे। चुनांचे अगर अब यहाँ वो ज़बानें नहीं हैं, अब हमारा सामना यहाँ हमारा साथ है, सिंधी के लफ्ज़ आते हैं, पंजाबी के लफ्ज़ आते हैं, पंजाबी का मुहावरा आता है। अभी देखिए, अभी आप गुफ्तगू में आपने आगाज़ में कहा कि मेरा जानना ये है, मसलन आप ये कहती हैं कि एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, आप आपकी देखा देखी यहाँ भी इस्तेमाल होता है कि हमारा मानना ये है। अच्छा, ये वो एक्सप्रेशन है जो आपके टीवी के जरिए हमारे टीवी एंकर इस्तेमाल करते हैं। तो जबानी जो होती है वो उनकी अपनी वो किसी फॉर्मूले के तहत नहीं ग्रो करती है, उनका अपना एक नशोनुमा का एक उसलूब होता है। और उर्दू बहुत मुख्तलिफ हो गई है, उर्दू में बहुत जान है, उर्दू में बहुत समाई है और तरह तरह के लफ्ज़। देखिए, हमने अपने अल्फ़ाबेट्स में कैसी आवाज़ें शामिल कर दी हैं, ऐसी आवाज़ें जो हम यानी लोग नहीं कह पाते हैं, आप कह लेती हैं कि यानी कितने लफ्ज़ ऐसे हैं कि जो आपके यहाँ हर कितनी असवात हैं ऐसी जो उर्दू में मौजूद हैं और लेकिन हमारे लिए हिंदुस्तान में जो एक मसला है, शायद आपके लिए नहीं है, वो स्क्रिप्ट का है। और चूंकि इस प्रोग्राम को सुनने वाले लोग डायस्पोरा के हैं, मुख्तलिफ और मुल्कों में रहने वाले लोग हैं जहाँ माँ बाप मुमकिन है उर्दू बोलते हैं लेकिन बच्चे समझ लेते हैं लेकिन पढ़ने में उनको कबाहत होती है, तो स्क्रिप्ट का जो मसला है ये एक आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है और इसका कोई एक सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। बार बार लोगों ने कहा कि रोमन की बात की जाए, या हमें हिंदुस्तान में अक्सर ये मशवरा दिया जाता है कि हम देवनागरी का सहारा ले लें, लेकिन कोई भी जबान दूसरी को रिप्लिकेट तो नहीं कर सकती स्क्रिप्ट श्योरली। अच्छा, दो बातें मैं आपसे गुजारिश करूँ जी, ये इसको बिल्कुल आप ये समझिएगा कि ये यानी मैं बहुत ही दर्दमंदी से एक बात कहता हूँ, बाज़ औक़ात बाज़ सही बातें ऐसे कही जाती हैं कि जैसे उससे गोया तासुब की बू आती हो। और मसलन अभी आपके यहाँ से ये बात मुसलसल हिंदुस्तान से उठाई जाती है और बाज़ हमारे बुजुर्ग दोस्त इसमें इसको प्रमोट करते हैं इस थीसिस को। देखिए, ज़बान का जो रस्म ख़त होता है वो बहुत माना रखता है और इस पर कभी किसी वक्त आप इंटरव्यू कीजिएगा तो लिसानियात वाले, शायद मेरा तो ये मौक़िफ नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं जानता मैं, लेकिन हर ज़बान का अपना एक तहजीब होती है और उसकी उसकी लिखाई और उसकी जो उसका जो ख़त है उसके पीछे पूरा माबाद तबियाती निज़ाम है। अगर आपने मुताला फरमाया हो तो हमारे अस्करी साहब ने इसके बारे में पूरा एक थीसिस उनका है जो इस पर किसी वक्त बात की जा सकती है। मगर ये जब आपकी तरफ से ये उठाया जाता है सवाल हिंदुस्तान में, ये दोनों सवाल एक साथ उठाए गए और उन दोनों सवालों ने ज़बानों के बोलने वालों के दरमियान एक ज़रा सा फासला भी पैदा किया, जो चाहे लोग न कहते हों मगर किया। जब ज्ञानचंद जैन साहब ने दो भाषा एक लिखावट वाला किस्सा शुरू किया था, बिल्कुल उसी के पैरेलल ये सवाल भी उठाया गया था। ये बात भी, ये तहरीक भी सामने आई थी कि उर्दू को रोमन में लिखा जाए। अच्छा, अब जाहिर है कि ये हम पाकिस्तान वालों के लिए बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है और ना हम उसको, हमारे लिए हमारी सारी ज़बानें सिंधी भी और बलोची भी और पश्तो भी और पंजाबी भी और सरायकी भी सब अरबी रस्म ख़त में लिखी जाती हैं। चुनांचे हम तमाम ज़बानों के रस्म ख़त बदलने की सिफारिश नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ जो रस्म ख़त है वो यगानगत पैदा कर रहा है,
हमारे दरमियान, हमारी ज़बानों के दरमियान और अफगानिस्तान की ज़बान के दरमियान और ईरान की ज़बान के दरमियान और इराक़ और शाम और मिस्र और अल्जीरिया और ट्यूनिस और हिजाज और यमन, इनकी यहाँ जो ज़बान बोली जा रही है उनका रस्म ख़त भी वही है जो हमारा रस्म ख़त है। चुनांचे हम उस रस्म ख़त को अपने लिए एक एक समझिए इस्तेहकाम का सबब समझते हैं और उस पर कायम रहना चाहते हैं। जी, मैं असल में अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। मैं जो कह रही थी वो ये कि जो डायस्पोरा है, जो बॉर्डर मुल्कों में लोग रहते हैं, वो अक्सर रोमन में शायद इसलिए भी कि जो व्हाट्सएप की ज़बान है, टेक्स्ट मैसेजेस की ज़बान है, और ख़ास तौर से सही गलत शेर जो लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं, और बेचारे गालिब के साथ तो ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है, हर चीज़ को गालिब का बता के फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो ये जो जनरेशन है जो ये इख्तियार कर रही है रूट रोमन का, मेरी मुराद उनसे थी कि जो किसी भी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं स्क्रिप्ट, लेकिन द हार्ट बीट्स फॉर उर्दू। तो अब इसके लिए क्या किया जाए जो स्क्रिप्ट का मसला है? मैं ज़ाती तौर पे, मेरा ये मानना है कि हम मैथ्स का ट्यूशन रखने को तैयार हैं, हज़ारों रुपए देने को तैयार हैं, लेकिन हम उर्दू का ट्यूटर रख के अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों हम मतलब हर चीज़ हम इदारों पर डालना चाहते हैं, और जो हमारा अपना अपने फ़राइज़ हैं, ज़बान की हिफाजत सिर्फ इदारे तो नहीं कर सकते, सिर्फ हुकूमतें तो नहीं कर सकती, वो लोग जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं शायद वो भी कर सकते हैं कुछ हद तक। असल में कस्सा ये है कि उनको अपने नुकसान का अंदाज़ा नहीं है। मैं क्योंकि मुल्क से बाहर बहुत देर रहा हूँ, मैंने 14 बरस लंदन में गुजारे और तकरीबन 2 बरस पढ़ाई के ज़माने में अमेरिका में रहने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने पाकिस्तानी घरानों को देखा है। और हम खुद जिस एक इदारे में काम करते थे, 14,000 आदमी उस इदारे में काम करते थे, तो मैं गुजारिश करूं कि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के रहने वाले जो लोग वहां रहते हैं, ख़ास तौर पर जो यूरोप में, वो एक तरह के एक सिंड्रोम से गुजरते हैं, उसको हम कहते हैं मिथ ऑफ रिटर्न। वो एक ऐसी ज़हनी कैफियत से दो चार रहते हैं, वो कहते हैं कि अभी मैं ये कर लूँ और फिर मैं जब घर जाऊँगा तो फिर ये सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो घर कभी नहीं आएंगे। जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो एक नस्ल आसूदा गुजर जाती है, फिर दूसरी नस्ल आती है, तो उसको ज़बान याद तो रहती है, मगर वो जैसे आपने फरमाया, आपने बिल्कुल सही कहा, वो जो बच्चे वहाँ पले बढ़े और वो क्यों आपकी, यानी आपसे तो यानी कुछ घरानों में तो वो हमदर्दी का जज्बा है उनका अपने वालदैन के साथ, मगर बाज़ जगहों पर तो बच्चे बहुत ही जारहाना रवैया अख्तियार करते हैं, और वो ये इस पर यानी एक तरह से इसरार करते हैं कि भाई हमें तो नहीं जाना वापस, और हमें तो तमाम तवज्जो उर्दू के बजाय अंग्रेज़ी पर ही देनी चाहिए, और हम अमेरिका में रहते हैं या लंदन में रहते हैं या ब्रिटेन में रहते हैं, कहाँ भी हमें वहाँ उनकी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए और उस पर वह तसल्लुत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक मसला है, और इस मसले का कोई हल होगा कोई मैं नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि इसमें मैंने बहुत सी चीज़ें की और बाज़ किताबें भी ऐसी छापी और मौजूद हैं जो बैरून मुल्क उर्दू के लिए उनकी डिक्शनरियाँ वगैरह भी छापी, लेकिन ये तो जब ही होगा। जैसे देखिए आजकल ये मैं फिर इसमें एक बात आ जाती है कि लोग, मैंने इंग्लैंड में देखा और मैं जाता रहता हूँ बाहर, और अमेरिका में देखा कि बहुत बच्चे वहाँ के ज़्यादा मजहबी होते जाते हैं, और जो नौजवान नस्ल आ रही है उनको वहाँ एक तरह की आइडेंटिटी क्राइसिस में अपने मज़हब की तरफ, जो सबसे आसान काम होता है वो यही है कि भाई आपने स्टेटमेंट जिसे देना कहते हैं कि आपने फर्ज कीजिए दाढ़ी रख ली या हिजाब पहन लिया, जी हिजाब रख लिया और दाढ़ी रख ली, और बिल्कुल मुझे कोई उसमें माने नहीं। चुनाचे आप देखेंगे कि आप ब्रैडफर्ड तशरीफ ले जाएं, मैनचेस्टर जाएं,
और लंदन में भी जाएं तो आप देखेंगे कि मस्जिद में नौजवानों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और वो अंग्रेज़ी में, वहाँ अंग्रेज़ी में मज़हब पर बहुत मवाद फराहम हो जाता है मगर ज़बानों के बारे में नहीं इतना मवाद फराहम होता। यानी अगर आप उनसे कहें कि अमेरिका में किसी भी मस्जिद में जाएं तो वहाँ आपको 4-5 किताबें, पैम्फलेट्स और ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे उस इलाके में इस्लाम की नशोनुमा और दीन की बुनियादी बातें और शरीयत की बुनियादी निकाल ये मैसर आ जाते हैं। मगर ये जो शुरू शुरू में ज़बान पर था ज़ोर, यानी जब समझिए मैं 70s में लंदन गया तो मैंने ये देखा कि वहाँ एक बाकायदा सैटरडे संडे को घर वाले जो थे वो कहते थे कि बच्चों को लेके जाना है, कहाँ जाना है, फला जगह जहाँ उर्दू की या अरबी की तालीम दी जाती है। तो लेकिन स्कूल की तरह, जी हाँ, मगर अब रफ्ता रफ्ता ये रुझान ख़त्म हो रहा है, और ये जो किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। हम लोग ये समझते हैं कि जो ओस्लो में और टेक्सास में और ह्यूस्टन में और लंदन में उर्दू के शायर हैं और ये हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा कोई ये हम 10-20-25 साल का क़िस्सा है। ये जो नस्ल ख़त्म होगी तो उसके बाद ये क़िस्सा जो है ख़त्म होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछना चाहती थी, फिर बड़ा इश्तियाक है आपसे, आपकी कुछ गज़लें और कुछ नज़में सुनी जाएं अदब के हवाले से। जहां हमने बात शुरू की थी, मैं फिर से वो अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी की तरफ तो नहीं जाना चाहती हूं, लेकिन सिर्फ अदब के हवाले से एक बात करना चाह रही थी आपसे। प्रेमचंद, हमारे बड़े लिखने वाले, उर्दू हिंदी दोनों के, इनका कहना था कि अदब जो है वो समाज को आईना दिखाता है, और उस आईने में आपको समाज के झोल, ऊंच नीच सब चीज़ नज़र आता है, तो वो आपकी माशरे की अक्कासी करता है। आप जब अदब में झांक के देखते हैं तो आपको क्या नज़र आता है, क्या आप क्या देखना चाहते हैं? मैं तो बिल्कुल प्रेमचंद की जो ये बात है, ये हमारे लिए एक समझिए मैग्ना कार्टा है हम जैसे लोगों के लिए, और आपके इल्म में है कि ये बात उन्होंने जब कही थी, ये प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के जो की जो पहली कॉन्फ्रेंस थी उसमें, अप्रैल 36 की कॉन्फ्रेंस। अच्छा, अब उसके बारे में आपके इल्म में है कि जब लेनिन मॉस्को आए और ये सब कस्सा शुरू हुआ तो 1934-35 में वहाँ गोर्की ने एक चार्टर तैयार किया, और आंद्रे जेनेदिन एक साहब थे जो सोवियत यूनियन के बड़े फलसफी समझे जाते, इन्होंने तैयार किया एक मंशूर के अवाम को, अदीब को अवाम का मेमार होना चाहिए और उनको ये सब करना चाहिए और उसको आईनादारी करनी चाहिए। प्रेमचंद ने इस किस्से को यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान उस ज़माने में तो नहीं था, तो वहाँ इस अपने खुतबे में इस बात की वजाहत फरमाई और फिर तरक्की पसंद तरीक़ का वो मंशूर करार पाया। ये तो जो बात उन्होंने कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है, यानी मगर शुरू में हमारे यहाँ क्योंकि फौरनी बाद लोग जिसे कहते हैं पार्टी लाइन टो करने में अपनी हद से गुजर जाते हैं, चुनाचे हमारे यहाँ बहुत से लोग थे जो हद से गुजर गए और उन्होंने कहा कि जो मंटो है ये ठीक आदमी नहीं है, और ये जो इस्मत हैं ये कुछ, ये कुरतुलैन हैदर जो हैं ये ठीक खातून नहीं है, ये तो बिल्कुल, हालांकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि कुरतुलैन हैदर भी और मंटो भी दोनों अपने माशरे के बेपनाह अहम नकाद हैं, और मैं समझता हूँ कि उर्दू की सबसे बड़ी नावल निगार जो हैं उन्होंने एक मुनहदिम तहजीब का जैसे नोहा लिखा है, मैं समझता हूँ कि किसी ज़बान में शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान की वैसी तर्जमानी नहीं की गई होगी जैसी कुरतुलैन हैदर ने की है, और जैसी मंटो ने हमारे माशरे की निशानदेही की है और उसकी तर्जमानी की है उस निचले तबके के लोगों की, और
ठुकराए हुए लोगों को और पसपा हुए लोगों की जैसे तर्जुमानी की है वो आप अपनी मिसाल है। तो ये आज भी हमारा जो अच्छा अदब है, कौन सा अदब ऐसा है इस सब दुनिया में जो बड़े लोग थे वो सारे के सारे आप देखिए, जिनको आप कहती हैं कि ये अदब, जिन्हें आप मॉडर्न्स कहती हैं, वो भी कौन कौन आदमी है, यानी एलियट से लेके और यहाँ नीचे तक लैटिन अमेरिकन शायरों में, नावल निगारों में और फ्रेंच नावल निगारों में और शायरों में, अफ्रीका के लिखने वालों में कौन सा ऐसा अदीब है जो कहता है कि नहीं, जालिम को हक है ज़िंदगी करने का या जबर का साथ देना चाहिए या जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त करना चाहिए या मसावात नहीं होनी चाहिए। दुनिया में जहाँ कहीं अदीब है, किसी भी ज़बान का अदीब है, वो जुल्म की हिमायत नहीं कर सकता, जबर की हिमायत नहीं कर सकता, हमेशा खैर के साथ होगा, हुस्न के साथ होगा, मोहब्बत करने वालों के साथ होगा, मोहब्बत करेगा भी और मोहब्बत करने वालों के साथ भी होगा और मोहब्बत की ज़बान समझेगा भी। इसलिए यही वजह है कि हम आज भी देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के अदीबों से बात कर रहा हूँ, मैं आपके हवाले से फ़र्ज़ कीजिए अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, मैं लखनऊ और हैदराबाद से बात कर रहा हूँ, कलकत्ते से बात कर रहा हूँ, मैं इन शहरों के नाम ले रहा हूँ और इन शहरों में बसने वाले अदीब, चाहे वो कन्नड़ के हों, बंगला के हों, जिनको मैं जानता हूँ, मैं उनको पढ़ता हूँ खुश होता हूँ, जैसे टैगोर को पढ़ता हूँ खुश होता हूँ, अभी वात्स्यायन को भी पढ़ता हूँ और खुश होता हूँ। कौन से लोग आप पढ़ते हैं हिंदुस्तानी? देखिए, हिंदुस्तानी शहरों में हमारे दो तीन बुजुर्ग ऐसे थे जिनसे हमें बहुत मियाद हासिल था, जो अगे वात्स्यायन जो थे वो आपके यहाँ, मुझे नहीं मालूम उन्हें कहाँ रेट करते हैं, मगर मैं उनको हिंदी के शायरों में, जैसे मेरे ज़माने में जो लोग थे, महादेवी वर्मा या राम कुमार वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत, ये बुजुर्ग थे, मगर मुझे ये जो अगे वात्स्यायन की जो शायरी है ये बहुत हॉन्ट करती थी और मैंने उनकी एक आध नज़मों का तर्जुमा भी किया, तर्जुमा क्या किया, वो उसको उर्दू में लिख के दे दिया, बस यही है। अच्छा, नई कविता जिसको पूरा मूवमेंट था, नई कविता का मूवमेंट जो था अगय, उसके एक तरह से अलंबरदार थे जी, मॉडर्निस्ट का जो स्कूल था और वो उसके बहुत सबसे बड़े आदमी थे और जो लोग आपके यहाँ, यानी मुझे कोई अंग्रेजी वाले जो आपके यहाँ हैं उनके बारे में मेरा एक बिल्कुल मुख्तलिफ ख्याल है और आज तक अभी तक जो अंग्रेजी राइटिंग हमारी, चाहे वो आर के नारायण से अरुंधति रॉय तक, ये जितने लोग हैं इन सब को जो मेन लैंड इंग्लिश लिटरेचर है वो इनको पेरिफेरी का अदीब समझता है, इनको टोकनिज्म के तौर पर साउथ एशियन इंग्लिश का रिप्रेजेंटेटिव समझता है, यानी सलमान रुश्दी तक को वो साउथ एशियन इंग्लिश का रिप्रेजेंटेटिव समझता है, इंग्लिश इंग्लिश का रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझता, यानी इतने दिन लिखने के बावजूद भी। और ये जो आपके विक्रम सेठ वगैरह हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं है, जब वो आर के नारायण वगैरह को नहीं समझते और या आनंद को नहीं समझते तो क्या। मगर एक बात का मुझे अफसोस होता है कि हमारे यहाँ अब हिंदुस्तान की किताबें बिल्कुल नहीं आती और ये एक ऐसा अलमिया है कि, यानी मैंने ये सुना है कि जो मैंने, मेरे दोस्त थे वहाँ, अभी मैंने वही दफ्तर साहब की कुलियात आई मरसिए की और मैंने, और शायद उनका कलाम शाया हुआ, तो मैंने उवैद सिद्दीकी से कहा कि वो मुझे भेज दो, अब उसने भेज भी दिया मगर यहाँ नहीं पहुँचा। ऐसे ही बहुत से, आप यकीन करेंगे कि पाकिस्तान के नकादों में किसी को ये नहीं, यानी शाज लोग हैं जो जानते हो कि ज़ेब गौरी कौन है या बानी कौन सा शायर था या फर्ज कीजिए जो बलराज कोमल को तो लोग जानते होंगे, मां कुमार पाशी कौन था, आशुफ्ता कौन था, या सलाउद्दीन। हमारे यहाँ बिल्कुल अब एक
अब से 50 साल पहले तक ये सूरत नहीं थी, हम सब एक दूसरे को जानते थे, वो उस जमाने में भी खतगने थी, मगर अब तो ये है कि कोई यानी कभी शबखून आ जाता था, कभी ये मोहम्मद हसन और कमर रही साहब वगैरह जो तरक्की पसंद तहरीक के जो लोग थे, ये अपना एक कोई रिसाला टूटा फूटा जो भी निकलता था वो आ जाता था, मगर अब तो कोई इस किस्म का किस्सा नहीं। लेकिन जो ज्यादातर नाम ले रहे हैं ये एक जनरेशन पहले के हैं, तो जो आज के शायर हैं उर्दू में मौजूदा हाल के लोगों से आपको पढ़ने का या सुनने का मौका नहीं होता है जी? मुझे यानी मैं देखिए काहे में पढ़ सकता है आदमी, रिसाले में पढ़ सकता है ना, रिसाले में पढ़ सकता है या किताबें पढ़ सकता है, किताबें आती नहीं, रिसाले आते नहीं। अब जो मैं आपको नाम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये तो उस जमाने की बात है जब हम आते जाते थे और गए और वहाँ से फर्ज कीजिए 10 किताबें उठा ली, ले आए और पढ़ ली। मैं हिंदी की शायरी की भी किताबें मंगवाता था, वो भी आ जाती थी, और यानी मैं यानी मेरे जमाने में जैसे नीरज थे या दिनकर थे या सुमन थे, ये सब लोग थे, और इनमें से कुछ लखनऊ में भी रहते थे, नीरज साहब तो आना जाना था अलीगढ़ से, तो उनकी किताबें मेरे पास यहाँ भी मौजूद हैं, और मैं कभी कभी उनको पढ़ लेता हूँ, और बस ये बहुत ही यानी अजीब बात है कि एक ही जबान के अदीब एक दूसरे से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। अजय साहब, अब आपसे गुजारिश है कि आप अपनी कुछ नई कुछ पुरानी चीजें, कुछ गजलें कुछ नज्में सुनाएं। मैं तो इतना मैं पढ़ता रहता हूँ, मुझे अब आप ये कह रही हैं तो मैं आपने जिस गजल से जी इरशाद इरशाद उठाया था मैं वही से गुजारिश करूँ। सुखने हक को फजीलत नहीं मिलने वाली, सुखने हक को फजीलत नहीं मिलने वाली, सब्र पर दाद शुजात नहीं मिलने वाली, सुखने हक को फजीलत नहीं मिलने वाली, सब्र पर दाद शुजात नहीं मिलने वाली, रास आने लगी दुनिया तो कहा दिल ने के जा, अब तुझे दर्द की दौलत नहीं मिलने वाली, रास आने लगी दुनिया तो कहा दिल ने के जा, तुझे दर्द की दौलत नहीं मिलने वाली, हवसे लुकमा तर खा गई लहजे का जलाल, हवसे लुकमा तर खा गई लहजे का जलाल, अब किसी हर्फ को हुरमत नहीं मिलने वाली, अब किसी हर्फ को हुरमत नहीं मिलने वाली, वक्ते मालूम की दहशत से लरस्ता हुआ दिल, वक्ते मालूम की दहशत से लरस्ता हुआ दिल, डूबा जाता है कि मोहलत नहीं मिलने वाली, जिंदगी नजर गुजारी तो मिली चादर खाक, इससे कम पर तो ये नेमत नहीं मिलने वाली, जिंदगी नजर गुजारी तो मिली चादर खाक, इससे कम पर तो ये नेमत नहीं मिलने वाली, जिंदगी भर की कमाई यही मिसरे दो चार, जिंदगी भर की कमाई यही मिसरे दो चार, इस कमाई पे तो इज्जत नहीं मिलने वाली, सुखने हक को फजीलत नहीं मिलने वाली, कहाँ के नामो नसब, कहाँ के नामो नसब, इल्म क्या फजीलत क्या, जहाने रिस्क में तौकीर अहले हाजत क्या, कहाँ के नामो नसब, इल्म क्या फजीलत क्या, जहाने रिस्क में तौकीर अहले हाजत क्या, शिकम की आग लिए फिर रही है शहर बशहर, शिकम की आग लिए फिर रही है शहर बशहर, सगे जमाना हैं हम क्या हमारी हिजरत क्या, शिकम की आग लिए फिर रही है शहर बशहर, सगे जमाना हैं हम क्या हमारी हिजरत क्या, माले इज्जते सादाते इश्क देख के हम बदल गए तो बदलने पे इतनी हैरत क्या, माले इज्जते सादाते इश्क देख के हम बदल गए तो बदलने पे इतनी हैरत क्या, दमिश्क मसलहतो कूफे निफाक के बीच फुगाने काफिले बेनवा की कीमत क्या, दमिश्क मसलहतो कूफे निफाक के बीच फुगाने काफिले बेनवा की कीमत क्या, फरोगे सनते कदावरी का मौसम है, फरोगे सनते कदावरी का मौसम है,
सुबह खुए पे भी निकला है कद्दो कामत क्या, सुबह खुए पे भी निकला है कद्दो कामत क्या, मिले तो कैसे मिले मंजिल खजीना ख्वाब, मिले तो कैसे मिले मंजिल खजीना ख्वाब, कहाँ दमिश्क मुकद्दर कहाँ मदीना ख्वाब, कहाँ दमिश्क मुकद्दर कहाँ मदीना ख्वाब, मिले तो कैसे मिले मंजिल खजीना ख्वाब, जुनू का विरदो वजीफा न इसमें हाजम इश्क, तो फिर ये कैसे खुलेगा तिलिस्म सीने ख्वाब, जुनू का विरदो वजीफा न इसमें आजम इश्क, तो फिर ये कैसे खुलेगा तिलिस्म सीने ख्वाब, जहां जहां की भी मिट्टी हमें पसंद आई वहां वहां पे अमानत किया खजीना ख्वाब। और देखिए कि खरोशे गिरिये बेख्तियार ऐसा था, खरोशे गिरिये बेख्तियार ऐसा था, चटक के टूट गया रात आपकी नए ख्वाब, चटक के टूट गया रात आपकी नए ख्वाब, मिले तो कैसे मिले मंजिल खजीने ख्वाब। ये आप इसको ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं जिनकी तरफ इशारा है, इन्हीं उन्हीं में जीते उन्हीं बस्तियों में मर रहते, उन्हीं में जीते उन्हीं बस्तियों में मर रहते, ये चाहते थे मगर किसके नाम पर रहते, उन्हीं में जीते उन्हीं बस्तियों में मर रहते, ये चाहते थे मगर किसके नाम पर रहते, पैगंबरों से ज़मीनें वफा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे कि अपने घर रहते, पैगंबरों से ज़मीनें वफा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे कि अपने घर रहते। और ये मैं जब आखिरी दफा अपने शहर से होके आया था मैं किसी मुश्किल में अपने आप को भी नहीं डालना चाहता, आपको भी नहीं डालना चाहता, और एक गजल खजाने जरो गौहर पे खाक डाल के रख, खजाने जरो गौहर पे खाक डाल के रख, हम अहले मेहरो मोहब्बत हैं दिल निकाल के रख, खजाने जरो गौहर पे खाक डाल के रख, हम अहले मेहरो मोहब्बत हैं दिल निकाल के रख, हमें तो अपने समंदर की रेत काफी है, तू अपने चश्मे बेफैज को संभाल के रख, हमें तो अपने समंदर की रेत काफी है, तू अपने चश्मे बेफैज को महाफिले रविशे रफ्तगा कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, महाफिले रविशे रफ्तगा कोई नहीं है, जहां का मैं हूं मेरा वहां कोई नहीं है, महाफिले रविशे रफ्तगा कोई नहीं है, जहां का मैं हूं मेरा वहां कोई नहीं है, सितारगा से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, सितारगा से जो पूछा कि उस तरफ क्या है, चमक के बोले कि ऐ जाने जा कोई नहीं है, चमक के बोले कि ऐ जाने जा कोई नहीं है, और गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को, गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को, अभी तो मैं हूं मगर बाद अज़ां कोई नहीं है, गुज़श्तगाने मोहब्बत के ख्वाब लिखने को, अभी तो मैं हूं मगर बाद अज़ां कोई नहीं है। ये देखिएगा कि ये कोई शायद आखिरी आखिर में आपको वहशत का असर ख्वाब की ताबीर में होता, वहशत का असर ख्वाब की ताबीर में होता, एक जागने वाला मेरी तकदीर में होता, वहशत का असर ख्वाब की ताबीर में होता, एक जागने वाला मेरी तकदीर में होता, एक आहुए रम खुर्दो खुश चश्म की खातिर, उस आहुए रम खुर्दो खुश चश्म की खातिर, एक हल्का खुशबू मेरी जंजीर में होता, एक हल्का खुशबू मेरी जंजीर में होता, उस आहुए रम खुर्दो खुश चश्म की खातिर, एक हल्का खुशबू मेरी जंजीर में होता, एक हल्का खुशबू मेरी जंजीर में होता, एक आलम खूबी है मैसर मगर है काश उस गुल का इलाका मेरी जागीर में होता, एक आलम खूबी है मैसर मगर है काश उस गुल का इलाका
मेरी जागीर में होता, महताब में एक चांद सी सूरत नजर आती, महताब में एक चांद सी सूरत नजर आती, निस्बत का शरफ सिलसिले मीर में होता, मरता जो किसी पर तो उसे मार के रखता, गालिब का चलन इश्क की तकसीर में होता। और इकामत ज़ेबा का ये दावा है कि वो है, इकामत ज़ेबा का ये दावा है कि वो है, होता तो मेरे हरफे गिरागीर में होता, होता तो मेरे हरफे गिरागीर में होता। और ये आखिरी गजल मैं आपको सुनाऊँ, ये मैंने जो अभी तक शेर लिखे हैं ये उसकी आखिरी गजल है। इरशाद, बयाने अरसे मौत व हयात रक्स में है, मयान अरसे मौत व हयात रक्स में है, अकेला मैं नहीं कुल कायनात रक्स में है। मयान अरसे मौत व हयात रक्स में है, अकेला मैं नहीं कुल कायनात रक्स में है। हर एक जर्रा हर एक पारे जमीन व जमान, हर एक जर्रा हर एक पारे जमीन व जमान, मेरी गली के फकीरों के साथ रक्स में है, मेरी गली के फकीरों के साथ रक्स में है। मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रजा के बगैर, मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रजा के बगैर, जो रक्स में है इजाजत के साथ रक्स में है। मजाल किसकी कि जुम्बिश करे रजा के बगैर, जो रक्स में है इजाजत के साथ रक्स में है। वो कौनिया हो कि बगदाद हो कि सेवन हो, जमीन अपने सितारों के साथ रक्स में है, जमीन अपने सितारों के साथ रक्स में है। मैं अपने शम्स की आमद का मुंतजर था सोहब, मैं अपने शम्स की आमद का मुंतजर था सोहब, मेरे वजूद में रूमी की जात रक्स में है। मैं आने अरसे मौत व हयात रक्स में है, उताके कुंगरे अर्श के चराग की लौ मेरी गली के फकीरों के साथ रक्स में है। और एक बहुत बदनाम सी गजल है, बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा, बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा। बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा, मेरे माबूद आखिर कब तमाशा खत्म होगा। चिरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ, चिरागे हुजरे दरवेश की बुझती हुई लौ, हवा से कह गई है अब तमाशा खत्म होगा। ये सब कठपुतलियां रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर से पहले पहले सब तमाशा खत्म होगा। ये सब कठपुतलियां रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर से पहले पहले सब तमाशा खत्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। कहानी आप उलझी है कि उलझाई गई है, ये उदा तब खुलेगा जब तमाशा खत्म होगा। तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है, तमाशा करने वालों को खबर दी जा चुकी है कि पर्दा कब गिरेगा, कब तमाशा खत्म होगा। मेरे महबूब आखिर कब तमाशा खत्म होगा, बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा। बहुत उम्दा। एक बात जो मैं आपसे गुफ्तगू के दौरान नहीं पूछ पाई, वो गजल और नज्म के हवाले से, कि जब ख्याल का बीज जरखेज जमीन में शायर के जहन में आता है कुदरती तौर पे, तो वो गजल की शक्ल इख्तियार करेगा या नज्म की शक्ल इख्तियार करेगा, ये फैसला कैसे और कब लिया जाता है? मुख्तसरन, अब हम वक्त के आखिर में आ रहे हैं और आपकी नज्में अभी सुनना बाकी है। रसा बिल्कुल हमें नहीं मालूम होता, यानी मुझे, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैंने तो कभी सोच कर कभी कोई शेर नहीं लिखे जी, और मैं कोई उस तरह का, यानी मेरी कोई राय मुस्तनद भी नहीं है इस मामले में। मुझे तो जब बहुत ही मजबूरी हो जाती है तब मैं शेर लिखता हूँ। और बिल्कुल आज यकीन कीजिएगा डॉक्टर साहब, मैं आपसे गलत बयान ही नहीं कर रहा, मैं जब शेर लिखता हूँ तो मेरे जिस्म पर दाने आ जाते हैं, इस कदर मुझको यानी तकलीफ होती है।
और जब तक मैं शेर लिख नहीं ले, सब लोग कहते हैं कि शेर लिख के कैथारसिस होती है वगैरह वगैरह, मुझे कुछ नहीं, मैं ये देखता हूँ कि जब मैं शेर लिख लेता हूँ तो मैं जिसे कहते हैं बीमार पड़ जाता हूँ, मुझे ये ख्याल आता है कि अच्छा ये वो स्टेट ऑफ अफेयर्स है जिसमें मैं गुजर रहा हूँ, ये वो सूरत हाल है जिससे मैं गुजर रहा हूँ, यानी जो मेरी बातनी सूरत हाल है वो लफ्ज़ों में मुनकशिफ हो जाती है, तो मुझे ख्याल आता है कि अच्छा तो क्या मैं, मैंने एक गज़ल लिखी जो गाई वाई भी गई और उसका मजाक भी बहुत उड़ा, दयारे नूर में तेरा शबों का साथी हो कोई तो जो मेरी वहशतों का साथी हो, मैं उससे झूठ भी बोलूं तो मुझसे सच बोले मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो, और क्या के मैं गिर पड़ूं तो मेरी पस्तियों का साथी हो वगैरह वगैरह। तो जब मैंने ये गज़ल लिखी तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और बहुत ही कहा कि ये तो ज़रूरत रिश्ता का इश्तहार वगैरह है, तो मैंने कहा भाई यही यही था, यही है कि अच्छा अब मैंने लिखा है कि फर्ज कीजिए कि अज़ाब ये भी किसी और पर नहीं आया, तमाम उम्र चले और घर नहीं आया, या मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कहते, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कहते। अब ये जो शेर हैं ये सब सेमी बायोग्राफिकल हैं, ये तो सब अच्छा ये मुझे तकलीफ पहुँचाते हैं, यानी इसलिए तकलीफ पहुँचाते हैं कि मैं मुझसे लोग मजाकन कहते हैं कि फराज साहब घर मिल गया, अब मैं उनसे क्या कहूँ, सफर अजाब ये भी किसी और पर नहीं आया, तमाम उम्र चले और घर नहीं आया वगैरह। अब वो कहते हैं कि घर आया नहीं आया, अब मैं अपने उम्र के 76वें बरस में हूँ। अच्छा अब मैं जब ये शेर लिखता हूँ तो पढ़ता हूँ तो मैं इससे ये मैंने किसी से मुस्तार ख्याल लेके नहीं लिखा, जो मैंने लिखा है वो मैं जो मुझ पर गुजरी थी, जो मैंने जो मुझ पर बीती थी वो मैंने लिख दिया। हामी भी न थे, मुनकर गालिब भी नहीं थे, हम अहले तजब्ज़ुब किसी जानिब भी नहीं थे, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। तो सारी जिंदगी गुजर गई और मगर शेर कभी मैंने किसी की फरमाइश पर नहीं लिखा, फैशन में नहीं लिखा, किसी की नकल में नहीं लिखा, जब मैं मजबूर हो गया तब मैंने शेर लिखा। और नज्म के साथ भी क्या लगभग यही रहा है या नज्म अपने आप में पूरी आपके सामने उतरती है? जी नज्म में अजीब अजीब बात है, मैंने अपने दोस्तों से और बुजुर्गों को मैंने देखा है कि वो नज्म जो है वो मरहलावार लिखते हैं कि जैसे कुछ मिसरे लिख लिए फिर लिख लिए, नज्म उस पर पूरी वारिद होती है जी। और मैं बिल्कुल उसको यानी लिखता चला जाता हूँ, बाद में उसको यानी दुरुस्त तो मैं शायद करता हूँ, एक आध दफ़ा रिराइट करने का मौका भी आता है, और क्योंकि मैं बोल के लिखता हूँ जब मैं शेर लिख रहा होता हूँ तो मैं बोल के लिखता हूँ। मुझे ख्याल है हर आदमी हर शायर को अपनी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं अपनी आवाज़ सुनकर शेर लिखता हूँ। मेरी ज़िंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम हो। मेरी ज़िंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम हो। मैं ये सोचता था जो ज़िंदगी है क्या कि मेरी ज़िंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम हो। मैं ये चाहता था किताब व ख्वाब के दरमियान जो ज़िंदगी है तुम्हारे साथ बसर करूं, यही कुल असासे ज़िंदगी है इसी को ज़्यादा सफ़र करूं, यही कुल असासे ज़िंदगी है इसी को ज़्यादा सफ़र करूं, किसी और समत नज़र करूं तो मेरी दुआ में असर न हो, मेरे दिल के ज़्यादा खुशखबर पे बजुस तुम्हारे कभी किसी का गुजर न हो, मगर इस तरह कि तुम्हें भी इसकी खबर न हो। इसी एहतियात में सारी उम्र गुजर गई, वो जो आरजू थी किताब व ख्वाब के साथ तुम भी शरीक हो वही मर गई, इसी कश्मकश ने कई सवाल उठाए हैं, वो सवाल जिनका जवाब मेरी किताब में है न ख्वाब में, मेरे दिल के ज़्यादा खुशखबर के रफीक तुम ही बताओ फिर कि ये कारोबार हयात किसके हिसाब में। मेरी ज़िंदगी में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम हो। वाह बहुत बारवा खिलाड़ी का कुछ हिस्सा अगर याद हो तो पढ़ दीजिए। जी वो मेरी सबसे पहली नज्म है और
क्रिकेट का आपको शौक है लगता है, क्रिकेट जी का आपको शौक है मालूम देता है जैसे। जी सब खेल खेलते थे उस जमाने में, तो नौजवानों को यही सब शौक थे, हॉकी का और क्रिकेट वगैरह का। खुशगवार मौसम में अनगिनत तमाशाई अपनी अपनी टीमों को दाद देने आते हैं, अपने अपने प्यारों का हौसला बढ़ाते हैं। मैं अलग थलग सबसे 12वीं खिलाड़ी को हूट करता रहता हूँ। मैं अलग थलग सबसे 12वें खिलाड़ी को हूट करता रहता हूँ। 12वां खिलाड़ी भी क्या अजब खिलाड़ी है। खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दाद पड़ती रहती है, और वो अलग सबसे इंतजार करता है एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी सात का, जिसमें सानहा हो जाए, जिसमें हादसा हो जाए, फिर वो खेलने निकले तालियों के झुरमुट में, एक जुमले खुशकुन, एक नारे तहसीन उसके नाम पर हो जाए, सब खिलाड़ियों के साथ वो भी मोहतबर हो जाए। बड़ी कमी होता है, फिर भी लोग कहते हैं खेल से खिलाड़ी का उम्र भर का रिश्ता है। उम्र भर का ये रिश्ता झूठ भी तो सकता है। आखिरी विसल के साथ डूब जाने वाला दिल टूट भी तो सकता है। तुम भी इफ्तिखार आरिफ 12वीं खिलाड़ी हो, इंतजार करते हो एक ऐसे लम्हे का, एक ऐसी सात का, जिसमें हादसा हो जाए, जिसमें सानहा हो जाए। तुम भी इफ्तिखार आरिफ, तुम भी डूब जाओगे, तुम भी टूट जाओगे। बहुत शुक्रिया। कोई नई चीज जो जाते जाते, तिश्नगी हमेशा रह जाती है, कोई जाते जाते कोई नई चीज पढ़ के सुना दीजिए। मैं जब लंदन से यहाँ आया था वापस 14 साल के बाद, तो बस ऐसे ही मैंने उस जमाने में कोई, चलिए वो नहीं मैं सुनाता, कोई एक छोटी सी नज़्म आपको सुना। जी। ये मैं अकेले रहता हूँ बहुत देर से। जब मैं पाकिस्तान आया हूँ वापस, तो मुझे 30 बरस होने आते हैं। तो इस नज्म का उन्होंने पूछ, ये आपके लिए काम आएगी किसी वक्त, अच्छा कि जिस रोज हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी, जिस रोज हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी, शीरीन सुखनों के हरफे दुष्नाम, बेमेहर जबानें बंद होंगी। जिस रोज हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी, शीरीन सुखनों के हरफे दुष्नाम, बेमेहर जबानें बंद होंगी। पलकों पे नमी का जिक्र ही क्या, यादों का सुराख तक न होगा। पलकों पे नमी का जिक्र ही क्या, यादों का सुराख तक न होगा। हमवारी हर नफस सलामत, दिल पर कोई दाग तक न होगा। पामालिए ख्वाब की कहानी, कहने को चराग तक न होगा। पामालिए ख्वाब की कहानी, कहने को चराग तक न होगा। माबूद उस आखिरी सफर में तन्हाई को सुर्ख रूह ही रखना, माबूद उस आखिरी सफर में तन्हाई को सुर्ख रूह ही रखना। जुस तेरे नहीं कोई निगहदार, उस दिन भी ख्याल तू ही रखना। जिस आंख ने उम्र भर रुलाया, उस आंख को बेवजू ही रखना। जिस रोज हमारा कूच होगा फूलों की दुकानें बंद होंगी। रोंगटे खड़े हो गए। अल्लाह करे ये दिन अभी बहुत दिनों तक ना आए। आपने वक्त निकाला, हमें इतनी अच्छी बातें सुनाई, आपका बेहद शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और इस दुआ के साथ ये ख़त्म करती हूँ प्रोग्राम के, अल्लाह करे ज़ोरे कलम और ज़्यादा, और आपसे हिंदुस्तान में मिलने का मौका मिले हमें जल्द। आदा मेहरबानी, बहुत करो। आदा, आपकी इजाज़त से इस मीटिंग से एग्जिट कर रही हूँ। बहुत मेहरबानी, आपने बहुत मुझे मौका दिया गुफ्तगू। अतहर फारूकी साहब का शुक्रिया, अंजुमन तरक्की उर्दू का शुक्रिया, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें फराहम किया। आदाब। बहुत मेहरबानी।